अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कुट्ट को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम इन्हें खाएंगे दही और चटनी के साथ और बहुत ही यम्मी है। एक बार ट्राई कीजिए इस तरह से भी। देखिए बैक टू आवर चैनल, दिस रश्मि त्यागी। तो एक बार फिर से मिली हूँ आपको किचन में पकौड़े बनाते हुए। पूजा मेरी हो गई है और आप बोलेंगे कुट्टू की पकौड़ी कितने का आते हो, तो सच बता दूँ मेरे को ना खिचड़ी बहुत कम पसंद है। और यहाँ देखिए मैं दिखाने आई थी आपको, जोत मैंने कर ली है और अभी भूख लगी थी बहुत तेज से, क्योंकि ज़्यादा कुछ ऐसा खाते नहीं, हल्का फुल्का ही खाते हैं। शाम के समय मैंने कुछ ऐसा नहीं खाया था, ओनली चिप्स होता है ना वो व्रत वाले, वो चाय के साथ खाए थे बस, वो भी थोड़े से बिल्कुल। तो अभी भूख लग रही है बहुत तेज मुझे, तो मैं सोच रही थी कुट्टू की पकौड़ियाँ बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से बनाती हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा ये तरीका, बहुत ही अच्छा होता है। उनको कुट्टू के पकौड़े भी बोल सकते हैं, पकौड़ियाँ भी बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आप सिंपल तरीके से बनाते हैं बट एक उस डिफरेंट तरीका है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, मैं बताती हूँ, आप देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और जो भी दिन भर में होता रहेगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी चिमनी बहुत शोर कर रही है। तो चलिए मैं बना लूँ कुट्टू की पकौड़ी, फिर मिलती हूँ आपसे। बनाएंगे हम कुछ नए स्टाइल में कुट्टू की पकौड़ियाँ। तो आज आलू कर लिए गए हैं, ऑयल यहाँ पर ऑयल रेडी हो रहा है हमारा गर्म होने के लिए, और इसमें बस कुछ नहीं मिलाएंगे, इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और अगर आप चाहें तो चिली ग्रीन वाली ऐड कर सकते हैं, बट बच्चे नहीं खाते हमारे इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं। और धनिये की बना ली हमने चटनी, तो धनिया भी ऐड नहीं कर रहे, और सांदा नमक है उड़द का। तो अभी इसे हम क्या करेंगे आपको दिखाएंगे, इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके बनाए जाएंगे छोटे छोटे लड्डू, और उनको डिप किया जाएगा इस कुट्टू में और फ्राई किया जाएगा ऑयल में, और फिर देखना कितने टेस्टी लगेंगे गर्मा गर्म। बोंदा भी बोलते हैं ना, बोंदा, कुट्टू के बोंदा। इस तरीके से ना ऐसे ऐसे लड्डू बना लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना। तो इस तरह से मैंने बना लिए इनके गोल गोल छोटे छोटे लड्डू, इनको डिप करेंगे हल्के हल्के हाथों से, है ना, ऐसे एक ही बार में, और उसको छोड़ देंगे। अब दूसरा लड्डू लिया, इसको भी ऐसे ही करेंगे, फिर दिखाएंगे कैसे अच्छे कैसे लगते हैं ये। ज़्यादा मसाले नहीं मिलाए हैं, मिर्ची ऐड नहीं की है बच्चों की वजह से, अगर चाहें तो ग्रीन चिली और धनिया भी ऐड कर सकते हैं, पर हमने धनिया की बना ली वो चटनी, धनिया ज़्यादा नहीं था आज एक्स्ट्रा, तो इसलिए नहीं ऐड करें, बट ये सिंपल भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अभी जब बन जाएंगे तब दिखाऊंगी आपको, दही के साथ या चाय के साथ खाओ मज़ा आ जाएगा खाने में। ये देखो काफी सारे हो गए, अभी पहले इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगी, अभी फिर से बना लूंगी छोटे छोटे ऐसे करके लड्डू, तो साइज अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, देखो जैसा आपको पसंद हो उतना साइज बना लें। देखो अभी इस तरह से फ्राई होने लगे हैं, जब सुनहरे हो जाएं तो इनको निकाल लेंगे। चिपक रहे हैं बहुत जल्दी बन जाते हैं ये, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही फ्राई आलू हैं, तो ज़्यादा देर इनको छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, विद इन 2 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। ये देखो 2 मिनट में ये
बन जाएंगे। पकौड़ियों में थोड़ा टाइम लगता है, इनमें नहीं लगता बिल्कुल भी टाइम। तो देखिए बन गए हैं हमारे कुट्टू के पकौड़े। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कुट्टू को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम इन्हें खाएंगे दही और चटनी के साथ, और बहुत ही यम्मी है ये। एक बार ट्राई कीजिए इस तरह से भी खा। देखिए मैं दिखाती हूँ फोड़ के, तो ऐसे आलू निकलेगा और खाने में इसका टेस्ट पकौड़ी से ज्यादा अच्छा आता है। चलिए जी बना ले फटाफट से। तो अभी यहाँ पर ट्राई किए जा रहे हैं ये वाले पकोड़े कि खाने में कैसे लग रहे हैं, और ये खा रहे हैं और बता रहे हैं। बताना कैसे बने हैं, सही में टेस्ट लग रहे हैं ना? फर्स्ट टाइम में खा रहे हैं तो बढ़िया लग रहे हैं। और अगर इसमें ग्रीन मिर्च और धनिया भी ऐड होता तो और भी ज्यादा मजा हो जाता, बट वो चटनी में हमारी मिर्ची और ये सब है ना। ये पकौड़ी है लेकिन ये दूसरे टाइप की पकौड़ी है, खा के देख तब पता चलेगा। चुकी है इवनिंग, आजा बुला रहे बच्चे आ गए। तो इवनिंग हो चुकी है, बच्चे आ गए फुटबॉल खेलने हमारे, तो स्नेहल को बुला रहे हैं। मैं आई थी अभी चाय बनाने के लिए किचन में, सोच रही थी चाय बना के पी लूँ, स्नेहा तो ट्यूशन गई है अभी आने वाली है। और एकदम से फास्ट में क्या होता है, खाओ कुछ भी पता नहीं क्या होता, नशा सा होता रहता, मुझे तो नींद ही इतनी आती है। तो मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, और व्लॉग एडिट करके आई हूँ टिप्स एंड ट्रिक का, तो वो ही आएगा मतलब आज, और ये वाला व्लॉग आएगा कल। तो अभी स्नेहल को बोल देती हूँ वो खेल लेगा, दिखा देती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। और मैं ऊपर से लेके आती हूँ कपड़े, क्योंकि थोड़े से कपड़े सूख गए थे, थोड़े कपड़े लेट धुले थे, स्नेहल बहुत लेट ना आया था, तो वो लेके आने हैं मुझे, ऊपर से लेकर आती हूँ फटाफट। फिर क्या, फिर स्नेहा से मिलवाऊंगी आपको। स्नेहा कहाँ गई, कहाँ जा रही थी? मैं कीर्तन। नहीं कीर्तन में मैं नहीं गई, अम्मा गई हैं। हो रहा कीर्तन? बताऊं स्नेहा गई ट्यूशन से, क्या कर गई ट्यूशन में? सही चल रही है पढ़ाई? आया साड़ी, कौन सी साड़ी? अच्छा फोल पीको वाली। तो अभी आ चुकी है स्नेहा, और स्नेहल बाहर जाने वाला है, अभी निकला नहीं है, उसके डैडी गुस्सा कर रहे हैं। और ये देखिए पीछे मैंने कुछ ना यहाँ पर कल कटिंग की थी इसकी, पेड़ की, इस वाले की, क्योंकि ये वाला पेड़ इतना लंबा हो गया ना, और उसको बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं मिल पा रही। तो अभी मैं सोच रही हूँ ये जो थोड़ा सा मनी प्लांट बचा है इसे भी किसी और गमले में लगा दूंगी, और वो वाला गमला फूट गया हमारा, इस वजह से पेड़ सूख चुका है, तो अभी उसके लिए भी गमला लाना पड़ेगा। तो गार्डनिंग की जाएगी एक दिन, सारे पेड़ पौधे बहुत खराब हो रहे हैं। तो चलती हूँ, अंदर आ चुके हैं, ये चाय पियेंगे अब हम, तब मिलते हैं आपसे। तो अभी स्नेहा भी लेट गई और मैं भी लेट गई हूँ, थक गए हम दोनों, अब हम दोनों चाय पियेंगे, और दूध बहुत कम है जिसकी चाय बनाई जा रही है स्नेहा। थोड़ी थोड़ी चिप्स चटोरी ये देख लो, व्रत मेरा है चटोरे पनी ने आते हैं पढ़ पढ़ के। अब मतलब इतनी ऑयली ऑयली चीज खा के मन नहीं भर रहा है तुम्हारा बिल्कुल भी, है मजा आता है कितना खिला लो व्रत का। तो अब भी कह रहे चिप्स बना लो, बताओ। हाँ मेरे सर घूम रहा है बहुत जोर से, चलो तो किचन में चिप्स बनाने के लिए कह रही है, और मैं कह रही हूँ कि कोलैब की वीडियो बना ले, तो बनाने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। इधर देखिए आधे बर्तन साफ हो चुके हैं, आधे बर्तन साफ होंगे, और इधर चाय बन रही है ये रही, और इधर मैं अभी कढ़ाई रख देती हूँ चिप्स तलने के लिए, क्योंकि स्नेहा बोल रही है। ये रही हमारी, इसमें मैंने कुट्टू के पकौड़े बनाए थे, तो इसी में चिप्स तल लिए जाएंगे। कितना ऑयल खा रहे हैं, कितना वेट मतलब हमने कम नहीं करा, जितना बढ़ा लेंगे इन नवरात्रों में, करें क्या, स्वाद बनाते हैं बच्चे, कुछ नहीं कर सकते। चलिए जी फटाफट से निकाल लें अपना व्रत के चिप्स, और मैं ये देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं, मतलब चाहे चोट लग जाए इनके स्नेहा, अभी दिखाती हूँ स्नेहिल क्या कर रहा है, बाहर पहुँच गया। और पता है अभी मैंने क्या नोटिस किया कि मेरे गाल पे ना तिल निकलने स्टार्ट हो गए, पता नहीं कैसे। देखो ये वाला तिल तो मेरे पहले ही था, अभी एक तिल यहाँ आ गया, और एक तिल यहाँ आ गया, और एक तिल यहाँ आ गया, पता नहीं नए नए तिल फेस पर आ रहे हैं, क्या रीज़न है। आराम से खेल लो चोट ना लग जाए, ये देखो ये हरकतें हैं इनकी।
आराम से तो नहीं खेलेंगे, मार मार के खेलेंगे एक दूसरे को। आह तुम वॉलीबॉल खेल रहे हो, तड़म ताड़ी खेल रहे हो एक दूसरे को मारने का गेम। मतलब मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि हम बचपन में गेम खेला करते थे ताड़म ताड़ी। उसमें क्या करते थे ना, सात पिट वो होते हैं पत्थर, उनको रख देते थे। एक प्लेयर आता था उसमें मारता था, तो उसमें ना जब वो गिर जाते थे तो वो उठाने होते थे, वो बनाना होता था सात का। तो फिर उसको मारते थे, मतलब जो लगाता था ना उसको मारते थे। तो वो बॉल मारते थे बहुत जोर जोर से, उसको बोलते थे हम ताड़म ताड़ी। तो अभी मेरा तेल गर्म हो रहा, फटाफट से चिप्स और चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं। और हाँ 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 हाँ, अभी तो खैर तेल गर्म हो रहा, मैं दिखा देती हूँ एक चीज़ और। मेरी साड़ियाँ रेडी होके आ गई जो मैं उस दिन देखा आई थी, ये देखिए अभी किसी उसमें पहनेंगे, प्यारे प्यारे कलर्स हैं। और ये मेरे ब्लाउजेस रेडी हो गए हैं, अभी चेक करेंगे इनकी फिटिंग कैसे आ रहे हैं। और मेरी ये वाली साड़ी भी रेडी हो गई, इसका कलर बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे, ये पहनेंगे ना वाकई में इसलिए गजब लगेगी ये साड़ी, ये वाली गजब साड़ी लगेगी, एकदम स्मार्ट लुकिंग देगी, एकदम सोबर सोबर सी, मुझे बड़ी खूबसूरत सी लग रही है ये, सही में सिंपल एंड सोबर है। तो अभी देखेंगे फटाफट से, इनका भी नंबर आएगा पहनने का, पहनेंगे इन्हें भी। तो अभी आ गए हम ऊपर बैठने के लिए, इसने कह रही है अभी तो धूप है ऊपर देखो, तो थोड़ी देर में जाएंगे, अभी हम खटोले पे बैठेंगे यहाँ पे। दर्शी का खटोला लेके आओ, दो मिनट में है ना। क्यों पढ़ाई, तो टेबल याद करने है तुझे, इसलिए बुला रही थी। कौन सा टेबल याद करना है? 3 2 5 थ्री का। चल मैं याद करवाऊंगी, आजा आजा, क्यों पिटेंगे, मैं उसको करवाऊंगी। चल दर्शिका को टेबल सिखाऊंगी आज मैं, 3 का। फिर देखते हैं, 3 का तो आता है, 2 को सुनाइयो, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 18 2 9 18 सुनाने देना से जो भी सुना रही है सही गलत फिर भटक जाएगी। सुनो 2 7 18 2 7 का गड़बड़ सुना रही है, अच्छे से याद करवाना पड़ेगा। 14 होते हैं, अभी से टेबल लर्न करा दूं मैं जरा, 2 का और फिर उसके बाद 3 का। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, इसकी खबर ले लूं जरा आज मैं, इसकी आज खबर ले लूं लड़की की, बेखबर है बहुत ज्यादा। आज की बात आने की दिखने की नहीं है यहाँ पे, ये दिखने की नहीं है फिर आज के बाद यहाँ पे। ये देखो हमारे पत्ते ही पत्ते हो जाते हैं जब ये पेड़ पे इतने सारे गुल्लड़ लग रहे हैं, देखो सारे में पत्ते पत्ते और गुल्लड़ ही गुल्लड़ हो जाते हैं, चींटियां ही चींटियां आ जाती हैं। और मैं लेके आई हूँ फ्रूटी की बोतल में पानी, क्योंकि प्यास लगेगी जब हम घूमेंगे ऊपर। तो चलिए जी कर लें सर, याद करवा दें आपको 3 का टेबल याद करवा दिया है, जल्दी से सुनाएगी फटाफट सुना। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 3 4 जल्दी से 3 ऐड कर। हाँ 3 5 5 15 वेरी गुड। 3 6 6 18 3 7 18 में 3 ऐड करो जल्दी से, 18 में 3 ऐड करो फटाफट। 21 वेरी गुड। 24 वेरी गुड। 27 वेरी गुड। 30 देखो डायरेक्ट सुनाया आज टेबल लड़की ने, वो कौन बोलेगा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा। ये देखो अब 4 का याद कर फटाफट से, 4 का तो मम्मी ने कहा कल को याद करना। नहीं नहीं ये देखो लड़की अभी यूं कह रही है 4 का कल को याद करूंगी, मतलब कितनी मम्मी ने कहा था भाई। जब मैं छोटी थी ना एक बार मेरे पापा सुन, एक बार जब मैं छोटी थी मेरे पापा मेरे से टेबल सुन रहे थे, और मैंने जैसे ही गलत सुनाया बस जिंदगी में पहली बार एक चांटा लगा ऐसा करके फटाक, आज भी याद है वो चांटा मुझे। एक चांटा मारा पापा, आपने ऐसे मारा इतनी जोर से चांटा लगा था, वो आज तक याद है उस थप्पड़ की गूंज मुझे, इसने नाना जी ने चांटा मारा था मुझे मेरठ में, मेरे पापा ने आज तक भी नहीं मारा एक थप्पड़, बस उस वाले व्लॉग दर्जी का गैस पास कर दी। ची किसने करी है, छी इतनी गंदी स्मेल आई है,
अब तेरे पापा कहेंगे आप बदबू मन खराब कर दिया इस लड़की ने, कुल्ला करना पड़ेगा। चलिए जी याद करा दे, फिर मिलते हैं ऊपर, घूमेंगे फिर बात करेंगे। प्लेन जा रहा है ऊपर, चांद भी निकल आया दिन में, चांद किसी ने देखा है क्या? वो जरा प्लेन लेट के चलाए जरा फोन। वो बना ली गई है बहुत सारी रील, बहुत सारी बूम बूम रैंक, बूम बूम रैंक कहते हैं बूम रैंक मैं तो बोलती हूँ बूम बूम रैंक। और हमारे फ्लावर कुछ इस तरह से लग रहे हैं, येलो येलो, पीछे से बहुत ही अच्छी लोकेशन आ रही है। और मोर बोल रहे हैं, और कल को मेला नहीं दिखाएंगे, परसों को दिखाएंगे। लेकिन कल को व्लॉग आएगा तो सही बोल रही है, वो परसों को ही तो आएगा व्लॉग सही बोल रही है लड़की, सही बोल रही है। मेला दिखाएंगे हमारे गाँव का मेला, और यहाँ पर पीकॉक भी आने स्टार्ट हो गए हैं, कोयल बोल रही हैं, सनसेट हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। और अभी चलेंगे नीचे और बनाएंगे फिर से एक बार कुट्टू के पकौड़े, क्योंकि हमारे स्नेहा के पापा फिर से कुट्टू ले आए हैं और कह रहे हैं नहीं कुट्टू की पकौड़ी ही खानी है। मैं तो कल को मैं ओह माय गॉड दर्शी का व्रती है कल को। पहले वाले को भी थी। ओहो तो जी यहाँ पर खटोला फिर से ऊपर आ गया, स्नेहा बैठ गई है वहाँ जाके। तो अभी चलते हैं नीचे और बस, और कुछ नहीं है, फिर से पकौड़ी बनाएंगे, फिर से खाएंगे। देखो ये तो गर्मियों में ताप रहे हैं आग जला के। तो आज हमारे यहाँ पर आई है शक्कर, 10 किलो शक्कर की चाय पीते हैं हम। और ये देखिए फिर से एक बार कुट्टू की पकौड़ी, मतलब हमारा घर परेशान है, कुट्टू खा खा के ये नहीं मानेंगे, ये देखो। और यहाँ पर स्नेहल खा रहा है, और यहाँ पर स्नेहा कह रही है बहुत कम है, मतलब कितनी कुट्टू की पकौड़ी खाओगे तुम? हद है बिल्कुल, तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, कभी कुट्टू के पकोड़े, कभी कुट्टू की पकोड़ी, पूरा दिन तुम कुट्टू ही खा लो ना। हाँ यहाँ हमारी दिया बाती हो चुकी है, जय जय श्री राधे, जय माता दी। और कुट्टू की पकोड़ी फिर से बनाई जा रही है रात में। गाइस अभी मैं नीचे आ गई हूँ, व्लॉग का करते हैं एंड, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ तो कुट्टू बना बना के ही हम थक जाएंगे। पकौड़ी बनाओ पकौड़ी।